तारीख है 15 नवंबर 2023, समय हो गया है 10:19 PM। ये वीडियो है, चाहे इसमें डिस्क्लेमर भी है कोई बात नहीं, पर क्योंकि गेमिंग वर्ल्ड की वीडियो है तो इसमें मूवी वीडियो भी है, और ये इसको आप रियली समझना। ऑल ओवर वर्ल्ड की आर्मीज, ऑल ओवर वर्ल्ड में एलीट कमांडोज, प्राइवेट कमांडोज, ठीक है, और हर तरह के जो अपने आप को कमांडो कहते हैं या आर्मी है या बटालियंस हैं या गैंगस्टर हैं, कोई भी हैं, उनके लिए ये वीडियो है कि वेस्टर्न पंजाब पाकिस्तान वॉर जोन तैयार हो चुका है, ठीक है जी। नहीं 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 सर, मैं बताता हूँ, नहीं सर, 3 लाख करोड़ रुपया है, 3 लाख करोड़ रुपया है, इंडियन रुपीज़ है, वॉर जोन है, ठीक है, पेमेंट यहीं पे, हितेश रेवान, हाँ वॉर जोन खुल चुका है। आप चाहे बब्बर खालसा हो, चाहे खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट हो, चाहे आप छोटे मोटे संगठन हो, अगर आप पाकिस्तान वॉर जोन में आप आना चाहते हैं तो आप वेस्टर्न पंजाब में आ सकते हैं। वेस्टर्न पंजाब के 36 के 36 जो राज्य हैं, वो क्या कहता है, जो उसकी डिस्ट्रिक्ट हैं, 36 के 36 डिस्ट्रिक्ट जो है वो वॉर जोन में, वॉर जोन डिक्लेयर हो चुके हैं। इसलिए वहाँ रहने वाले सभी महिलाओं को वहाँ से हटने का आदेश जारी कर दिया गया। अगर आपको रहना है तो आप रह सकते हो, ये इंटरनेशनल वॉर जोन है, ठीक है जी। हाँ जी, गेमिंग वर्ल्ड लाइसेंस है, पेमेंट आप अब नहीं सर, वर्ल्ड बैंक में होगी पेमेंट, वर्ल्ड बैंक में आप पेमेंट, हितेश मंडल एट ट्विटर हैंडल @ हितेश रे 1 के नाम से करेंगे। 3 ट्रिलियन इंडियन रुपीज है सर, ठीक है जी। वॉर जोन फीस है, आप, मैं आपको बता देता हूँ आपको रिपोर्ट कहाँ करना है। आप सीधे वेस्टर्न पंजाब में किसी भी जोन में आप एंट्री करेंगे, वहाँ पे वायरलेस फ्रीक्वेंसी है, आप वायरलेस फ्रीक्वेंसी पे बात करके आप बाकी डिटेल ले सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपको लगता है तो आप वेस्टर्न पंजाब को ख़त्म होने से बचा लो। वहाँ पे हितेश रेवन ब्लैक आर्मी है, JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड है, और हम पूरा वेस्टर्न पंजाब ख़त्म कर देंगे। वहाँ से आपको निकलना है तो आप ईरान या अफगानिस्तान की तरफ आप कूच कर जाइए, कराची की तरफ आप नहीं जा सकते हैं, आप सीधा सिंध की तरफ बढ़ेंगे, भारत की तरफ आने पे गोली मार दी जाएगी, ठीक है जी। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, जो भी ये वॉर जोन जीतेगा, जो भी ये वॉर जोन जीतेगा, गाजा वॉर जोन हम जीत चुके हैं जी, हाँ गाजा वॉर जोन में जो फोटो आई है वो हितेश रे वन ब्लैक आर्मी है सर, वो IDF नहीं है, ठीक है जी। हाँ जी, फिलिस्तीन नहीं, नहीं गाजा, गाजा मैंने भरा था सर, गाजा मैंने भरा था, नहीं नहीं 2 ट्रिलियन है, $2 ट्रिलियन था, टू ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन US था, मल्टीप्लाई बाय 50 गुना पैसा मिला है, और बाकी वहाँ की असेट और बाकी जमीन वमीन सब हमारी हुई। गाजा वॉर जोन का जो मिलिट्री जनरल था वो मिफ्ताली था, वो मारा जा चुका है जी हाँ। मिफ्ताली जो कि इसराइल का प्राइम मिनिस्टर भी बना था बेंजामिन नेतन्याहू से पहले, वो था, ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है जी। वेस्टर्न पंजाब, उस तरफ वाला पंजाब जो पाकिस्तान में है, वॉर जोन कन्वर्ट हो चुका है जी। पहला ओपन वॉर जोन जी हाँ गाजा जी, मेरी आर्मी हितेश रे वन ब्लैक आर्मी के द्वारा जीता गया है। नहीं नहीं वो लिखा आज भले हिंदुस्तान टाइम्स में, नहीं IDF है, वॉर जोन मैंने भरा है सर, मिफ्ताली मार दिया गया। और अब भी अगर किसी को लगता है तो गाजा पार्लियामेंट हमसे छुड़वा के दिखा दो, हम JCB लगा के पूरा फिलिस्तीन साफ कर देंगे पूरा। हमारे को गाजा खत्म करने में मात्र 3 मिनट का समय लगा था, बाद में एयर स्ट्राइक हुई है, 3 मिनट के समय में हमने 2500 MBRLs फायर करी थी,
2,500 रॉकेट नहीं सर, 2,500 व्हीकल्स एमबीआरएल के, 2,500 फर्स्ट लेयर, 2,500 सेकंड लेयर, इस तरह टोटल 22 लेयर फायर की गई एमबीआरएल्स की पूरे फिलिस्तीन पे। तो ये गेमिंग वर्ल्ड है, ये ऑन हो चुका है, ठीक है जी। नहीं ईबिक्स कैश नहीं है जी, ये ना तो ये ईबिक्स कैश है, ना अमान है, ना हक्कानी है, ठीक है सर जी। आईडीएफ नहीं है सर, हितेश रेवन ब्लैक आर्मी है, वो भले इसराइल का लगा हुआ है, वो जोन में हम लगाते हैं फ्लैग वैसे ही है। वहाँ 15,227 इसराइली आर्मी की जो आईडी है वो मेरी है सर जी। इंटरनेशनल वॉर जोन है भैया गाजा जी। हाँ मैं क्या करूँ, आप न्यूज़ क्या दिखा रहे हो, मुझे क्या लेना देना। आप पूछ लो जी किसी भी, आप वर्ल्ड बैंक से पूछ लो सर। मिफ्ताली वॉज अ ओनर ऑफ फिलिस्तीन एंड गाजा, मिफ्ताली जो पहले इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बना जी। हाँ 3 ट्रिलियन है समथिंग, वो आप होगा, आप देख लो उसमें मैंने भरा हुआ, वो यूएस डॉलर जो है मैंने दिया सर, मैंने भरा था वॉर जोन बिल्कुल। तो नहीं नहीं मिफ्ताली किसने कह दिया आपको, तो आपकी वो छोड़ो ना, आप तो न्यूज में कुछ भी दिखा दोगे, आपका क्या है, आपको तो बस ये लग गया कि इधर से रॉकेट फेंका गया है तो डेफिनेटली भारत नहीं फेंका होगा पाकिस्तान पे। नहीं नहीं आपको क्या पता, मतलब पाकिस्तान में कुछ भी हो जाएगा आप तो कहोगे भारत ने कर दिया, क्यों, मतलब अगर भारत में मोदी भारत का प्रधानमंत्री है तो आप तो कहोगे भारत को ही बचा रहा है, पर आपको ये नहीं पता वो पाकिस्तान का जो है एसपीजी सिक्योरिटी गार्ड बन करके पाकिस्तान को बचाने की बात कर रहा है, रियलिटी आपको नहीं मालूम ना, आप रियलिटी से बहुत दूर हैं, समझ में आई जी। हाँ इसलिए भारत में रहने वाले कोई भी व्यक्ति जो पंजाबी मूल का हो या पंजाब को अपना देश या जो भी मानता हो भैया, तो आप हरमंदर साहब रिपोर्ट करेंगे, ठीक है जी, हरमंदर साहब रिपोर्ट करेंगे आप लोग, वहां से आप एंट्री मारेंगे, आप लोगों का कंट्रोल रूम वहां है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हालांकि है तो मेरा स्वर्ण मंदिर मैंने खरीदा हुआ है, कोई बात नहीं, पर उसका मैं पैसा ले लूंगा किराया, आप वहां रुक करके ऑल ओवर इंडिया से आप वहां जा सकते हैं। वॉर जोन खुल चुका है सर, और वैसे अगर कोई इंडिविजुअल टीम या बटालियन लड़ना चाहती है वहां पे तो 15,000 करोड़ रुपया पर डे है सर, असेट और आर्सेनल आप समझो, उसके अलावा अगर कोई भी वहां पे हथियार उठाता हुआ पाएगा हम गोली मार देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप हजारा हो, तालिबान हो, आप लश्कर हो, जैश ए मोहम्मद हो, आईएसआईएस हो, पेमेंट भरो आ जाओ। नहीं नहीं सबको पता है, सबको मालूम है वॉर जोन क्या होता है, लाइसेंस है भाई साहब, ऐसा नहीं है कि उठा के कहीं भी धमाका करके बिल्डिंग उड़ा देंगे, आतंकवादी समझाए क्या। नहीं नहीं बब्बर खालसा वालों के दिमाग में बड़ी खुजली उठ रही थी ना, और खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट देता हूँ अभी तुझे, खालिस्तान देता हूँ अभी तुझे, खालिस्तान आ जाइयो वहीं पे, बचा ले चल बचा ले, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने अपने जी हाँ 25,000 स्पेशल कमांडोज पैरा ट्रूपर्स वेस्टर्न पंजाब के 36 के 36 जिलों में उतार दिए हैं, और ये हाईली ट्रेंड है और न्यूक्लियर वॉर लड़ने में कैपेबल है, बी केयरफुल याद रखिएगा। नहीं नहीं बब्बर खालसा खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के बहुत खुजली थी ना दिमाग में, तुम्हारी खुजली ही मिटाई इस बार। इंडियन आर्मी हाँ ये जरूर है कि अगर आप चाहें तो हितेश रे वन के नाम की पेमेंट आप इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर में भेज सकते हैं, जो पेमेंट चाहे आईएसआईएस हो लश्कर ए तैयबा हो, तो आप इंडियन आर्मी में इंडियन नेवी में आईएनएस राजपूत है ना, आईएनएस राजपूत को आप पेमेंट भेज दीजिए, वो लोग रिसीव कर लेंगे, हाँ कर लेंगे आराम से। मैं भारत सरकार में अगर पेमेंट लेता हूँ
तो सेंट्रल विजिलेंस या भारत सरकार के गेटवे से ही लेता हूँ, वरना मैं पेमेंट नहीं लेता सर। ना ना मैं पेमेंट रिसीव लेते ही नहीं। आप इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में INS राजपूत को आप पेमेंट भेज दीजिए, 3 trillion इंडियन रुपीज है। नहीं नहीं फुल फुल आर्मी के लिए, अगर आप सिर्फ एक बटालियन है सर, बटालियन 144 की भी होती है, 200 लोगों की भी होती है, 500 लोगों की भी होती है, 5000 लोगों की बटालियन नहीं होती जी, जी 60 लोगों की टुकड़ी होती है, 40-60 लोगों की टुकड़ी होती है, तो 15,000 करोड़ रुपए पर डे है। इसके अलावा कोई भी नहीं, नहीं यूनिफॉर्म में आपके पास प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए। प्रॉपर बोला तो हाँ भाई ये हमारे लोग हैं और हमारे सारे इस तरह की यूनिफॉर्म पहनते हैं। आप तालिबान हो तो आप दूसरी तरफ से आ रहे तो हम गोली मार देंगे भाई साहब, साफ सीधी बात है ना। ना बब्बर खालसा और खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट की खुजली मैं बताता हूँ, आज तैयार कर दिया भाई साहब मैंने, उतारे 36 AN-32 उतार दिया, AN-32 और हरकुलिस। अब पंजाब के, वेस्टर्न पंजाब के हर जिले में उतार दिया भाई साहब, 2.5 लाख सोल्जर उतारूंगा हर डिस्ट्रिक्ट में। हितेश रमन ब्लैक आर्मी है सर, मैं बनाता हूँ ना वॉर जोन, तुम्हारे बड़े दिमाग में खुजली उठ रही ना बब्बर खालसा के, खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के। और कोई बात नहीं जी, मैं नहीं जानता जी, अगर इधर वालों ने दिमाग लगाया तो उधर आ जा भैया, इंडिया में नहीं देख। मैंने पहले ही वचन दिया हुआ है इंडियन आर्मी को कि सर देखो, वैसे रंग वॉर जोन की वजह से कुछ लोग पिटे हैं कुछ जगह पे, और उनका पीछा करते करते कहीं भी हो जाएगा, पर स्पेशली अगर मजबूर किया बब्बर खालसा ने या खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने, तो मैं जवाब देने जानता हूँ हजारास, मैं जवाब देने जानता हूँ उज्बेकिस्तान, मैं जवाब देने जानता हूँ, मैं उज्बेकिस्तान को चेतावनी जारी कर रहा हूँ सर, गेमिंग वर्ल्ड है वॉर जोन, ठीक है जी, बब्बर खालसा खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट जब मर्जी बात कर लो, आ जावा हरमिंदर साहब नहीं मिलता किसी को भी, अब बाहर निकल जाऊँ वहाँ से, आप आइए तैयार होइए आप चले जाइए उधर। अगर आपने हरमिंदर साहब या स्वर्ण मंदिर में किसी भी प्रकार की गलत हरकत करने की कोशिश करी तो आप पछताओगे, समझ में आई। और भारत में रह के नहीं, नहीं सिख रेजिमेंट को भी मैं कह रहा हूं, अगर आपको लगता है तो आप उस तरफ मिल लीजिए, मुझे कोई चिंता नहीं है जी। हाँ कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, मुझे मतलब नहीं है, वो इंडियन आर्मी वाले जवाब देंगे, इंडियन नेवल शिप राजपूत वो पेमेंट रिसीव करेंगे कैश, बैंक पेमेंट, इंटरनेशनल गेटवे, इबिक्स, अमान, अक्कानी, पेमेंट गेटवे कोई भी हो, बात खत्म, पेमेंट रिसीव कर लेंगे हम। गोल्ड डायमंड्स नहीं लेते, ज्वेलरी नहीं है, गला के बार, गोल्ड बार, असेट में लैंड ले लेंगे, 3 trillions तैयारी है, पूरी तैयारी है हमारे तो। अप टू एनी लेवल भाई खालिस्तान मना, ये कह रहे हैं मैं बताता हूँ, ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न पंजाब और हमारे इधर वाला जो पंजाब है इन दोनों को मिला के एक देश बनाएंगे। मैंने कहा तू मेरे से पहले वो वाले कब्जे से छुड़वा ले, अब तू मेरे से वही कब्जे से छुड़वा ले, चल यही रही तू बनाएगा ना। मैं बताता हूँ ना मेटा वालों को, नहीं नहीं ये 8 जो अक्षर बनाया ना, मैं बताता हूँ, नहीं नहीं मेटा का मतलब क्या होता है, मैं सिखाता हूँ ना अभी इनको, मेरे बीडी पीने से बहुत दिक्कत हो रही है ना इनको। हाँ तो आ जा जब मर्जी आ जा, छुड़वा के दिखा दे, चल छुड़वा के दिखा दे,
नेशनल ज्योग्राफी बना दूंगा, नेशनल ज्योग्राफी, समझ में आ गई, सोच ले। वही हाल करूंगा जब फिलिस्तीन और गाजा का किया है। अभी अभी पहला वॉर जोन जीत के आया हूं, देख ले, मेरी आर्मी है वो, आईडीएफ नहीं है, वो लिखते हैं आईडीएफ, समझ में आई, बिल्कुल, कान खोल कर सुन ले, ठीक है, एक जिंदा नहीं छोड़ा हमने, एक भी नहीं। क्या बात कर दी यार, महिलाएं तो इतनी इसराइल में जाकर रह रही हैं, बच्चे रह रहे हैं, हमने रोका किसी को नहीं, आप जाइए, बिल्कुल जाइए, पर एक बार शुरू हो गए ना, रोके नहीं रुकते किसी के, नहीं नहीं इधर नहीं भैया, वो आप समझो, नहीं फीमेल्स आ सकती हैं, आप लोग हरमंदर साहब में आकर रुक सकती हैं, उधर से मना नहीं है आपको, नहीं जी 12 साल से नीचे के बच्चे आ सकते हैं, मतलब 12 से नीचे का मतलब 10 से नीचे, 10 साल के बच्चे आ सकते हैं, उससे ऊपर सब उधर लड़ो, हमास ना भाई साहब, बब्बर खालसा, खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट, हमास, आपका हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, ISIS, ये सब के सब कह रहे कि हाँ, ये सब के सब कह रहे कि खालिस्तान तो हम बना के रहेंगे, खालिस्तान बनाओगे, अच्छा जी, नहीं नहीं खालिस्तान अच्छा जी, सुनते नहीं हो ना तुम, है ना, सुनते नहीं हो ना, आ जाओ उस तरफ, चालू है हम तो, ताबड़तोड़ मार, ताबड़तोड़, तुम जानते नहीं हो हम करने वाले क्या, करने वाले लोगों में से हैं, तू जानता नहीं हम क्या कर सकते हैं बेटा इतनी 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 गोलियां मारूंगा ना, हाँ एक बार जरा बोलियो वहां पे बब्बर खालसा से, एक एक से पूछ, भाई साहब कराची में यही कर रहे हैं हम तब से, एक एक से पूछ रहे हैं, ISIS है वहां, आ जा वहां वहां वहां, तेरे वाले वहां मर रहे हैं, तेरे वाले वहां मर रहे हैं वहां पे, यानी भारत में नहीं, समझा, वहां है? क्यों मुझे क्या लेना देना, वो बब्बर खालसा वाले जानते हैं, वो बब्बर खालसा खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट वाले जानते हैं, वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट वाले भी वहीं पहुंचेंगे, कह रहे पहले हम खालिस्तान अलग करेंगे भारत से, उसके उसके बाद कश्मीर में, कहा तू भी इधर ही आ जा वहां की ऑर्डर है, वहां की पंजाब की पार्लियामेंट है ना, वहां पे असेंबली जो है उड़ा दो, असेंबली कब्जे में लो उस तरफ की क्यों लाला जी बदमाशी चल रही है, बहुत तगड़ी बदमाशी चल रही, क्यों लाला जी क्या बात हो गई, नहीं नहीं आपको नहीं कह रहा गोयल जी, आपको नहीं कह रहा, उधर एक लाला जी है, हाँ भाई हमजा भगियो मत, अब है अब भगियो मत, भारत से पंजाब यूं अलग कर देंगे, यूं यूं यूं, अबे यूं यूं छोड़ पहले पैसे की बात कर तू, इधर इंडियन आर्मी वाला मामला इधर है, तू हमसे बात कर पहले पैसे की बात कर, हरमंदर साहब मेरा है स्वर्ण मंदिर, क्या दिक्कत हो गई तेरे हमजा, हाँ बे क्या दिक्कत हो गई मुनीर, हाँ भाई क्या दिक्कत हो गई तेरे अलवी, क्या दिक्कत हो गई तेरे, दिक्कत क्या हुई तेरे, अब भिड़ मेरे से, अब भिड़ के दिखा मेरे को, देख क्या करा मैंने गाजा का, ठीक है देख ले, और अब जो वीडियो आने वाली है ना तुम्हें अंदाजा नहीं है उसमें क्या होने वाला है, मैं तो अपनी न्यूज वाली दूंगा नहीं, या कहीं ना कहीं से एक आधा निकाल के ला करके दिखा रहे हैं, और तू सुन बे गलती से भी गलती करी ना, समझ में आई,
तो यही हाल करूंगा जो हमास का किया मैंने अभी फिलिस्तीन में, समझा? हमास का जो हाल किया ना फिलिस्तीन में, वही हाल करूंगा एक एक का। समझ में आ गई? देखता रहे, चले उतार ना ना, 2500 बंदे उतार पंजाब असेंबली में, पाकिस्तान पंजाब असेंबली 2500 बंदे उतार, खाली करा पूरी, एक एक को अरेस्ट कर, देता हूँ अभी खालिस्तान, देता हूँ अभी तुझे बब्बर खालसा। अगर एक ने भी यहाँ दिमाग में बोल दिया ना बब्बर खालसा है खालिस्तान, क्यों भाई अमृतपाल चलाएगा मूवमेंट यहाँ पे, चलाएगा अब बनाओ तेरा भी भिंडरे वाला है, बनाओ तेरा भिंडरे वाला, कह रहा गाली कैसे दे दी इसने, देखना भी क्या करता हूँ मैं, तू देख अभी क्या करता हूँ। सबसे पहले मेन मेन बंदे अरेस्ट हो और हाथ आते ही मार दे, टमाटर मूली छांट, गोल्ड वॉल्ट कैश सब अलग करके लोड कराना शुरू कर, और इसी रास्ते भागा बॉर्डर से आगे ला करके ना अपना वॉल्ट यहाँ पे सिक्योर कर। दैट इसकी ऐसी की तैसी होती मोदी, दिमाग लगा रखा है इसने सिख रेजिमेंट, हमें मतलब ही नहीं है सिख रेजिमेंट से। देखो भाई सिख रेजिमेंट हो चाहे कोई हो, ये मामला है गेमिंग वर्ल्ड वॉर जोन, पैसा हो तो खेल, पैसा हो तो खेल, धमकी नहीं चलेगी। अगर तूने मुझे अपने संगठन की धमकी दी कि तू बब्बर खालसा या खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट से है, तो लिख ले कागज पे यहां फिदा मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, हितेश रे वन मेरी है, जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड ब्लैक आर्मी मेरी है, हितेश रे वन एयरफोर्स मेरी है, इंडियन आर्मी का कोई लेना देना नहीं है। अगर तूने मुझे आईएसआईएस की धमकी दी या हमास की, तो ये नाम लिख लियो कितने हैं, सोच ले। फिदा का मतलब है फेडरेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसीज एट्रोसिटीज, मतलब भारतीय प्रजातांत्रिक संघ की क्रूरता, देख मैं क्या करता हूं अभी। यार मैं अपने घर में रह रहा हूं, आ रहा हूं जा रहा हूं, मुझे बब्बर खालसा की धमकी दे रहा है, खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट की धमकी दे रहा है, भिंडरे वाला की धमकी दे रहा है। अच्छा जी, अच्छा कह रहा सबका कंट्रोल रूम वही है हमजा बोल रहा, अच्छा जी क्यों भाई राणा सनाउल्लाह खां, अच्छा जी वाह ये बात है, आ जा फिर अब आ जा। जब तू अपने संगठनों को मेरे घर के बाहर भेज सकता है, तो मैं अपनी आर्मी क्यों ना उतारूं वहां पे, ये बता दे। चल अब मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में सारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से पूछता हूं, जब आपके संगठन के लोग मुझे मेरे घर के बाहर आके धमकी दे सकते हैं कि वो आईएसआईएस से, वो जैश ए मोहम्मद से, वो लश्कर ए तैयबा से, तो मैं अपनी ब्लैक आर्मी क्यों ना उतारूं वहां जहां खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का हेडक्वार्टर है, जहां बब्बर खालसा का हेडक्वार्टर है, मैं क्यों नहीं अपनी आर्मी उतारूं? क्यों भाई, जब तेरे ने, मैं नहीं जानता भी ये भारतीय कौन है, और मैं डरता भी नहीं, जब यहां तेरे सरदार जो है मेरे से बकवास कर रहा है और मुसलमानों के साथ लिंक बनाकर धमकी दे रहा है, तो मैं तेरे गढ़ में आकर तुझे क्यों ना मारूं, ये बताना। अगर हमास का गुर्गा यहां मुझे धमकी दे रहा है घर पे आ करके, और हमास हमास बहस रहा है, तो मैं फिलिस्तीन की एसटीसी क्यों ना कर दूं, मैंने उतार दी आर्मी, बोल दे, बोल ना, मैं भी तो सुनूं। तेरे आईएसआई वाले यहाँ आके धमकी दे रहे हैं, ये पाकिस्तान और आईएसआई और मरियम नवाज यहाँ धमकी दे रही, इंडिया में मुझे धमकी दे रही, तो मैं अपनी आर्मी क्यों ना उतारूं पाकिस्तान में, वजह बता दो सर। मैं इंडियन आर्मी से भी पूछता हूँ, मेरे से पूछा था एक सवाल कि मंडल ऐसी क्या बात हो गई यार, ये बात है सर जी,
अगर मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से सीधे तौर पे भारत में ही मेरी ऐसी मतलब समझ लो मरवाने की सरेआम धमकी दे रही है, तो सर मैं पाकिस्तान में आर्मी क्यों ना भेजूं अपनी? पैसा है मेरे पास सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बस इतनी सी बात है। मैं वही तो कह रहा हूं सर, जब आईएसआई के गुर्गे और नवाज शरीफ मेरे घर के आगे तक आके धमकी दे रहा है और भारत का प्रधानमंत्री यहां जो है बेवकूफ समझ रहा है मेरे को, तो मैं वहां पे क्यों नहीं उसकी पार्लियामेंट की एस्तेसी कर दूं? मैं भी तो सुनूं। तो ये अगर मेरे घर के बाहर आकर के मेरे घर में स्पीकर लगा रही है मरियम नवाज शरीफ हैं और रब्बी पीरजादा और फरा इकरार और किरण नाज, तो मैंने भी धमाके सुना दिया इसको वहां पे, क्या बात कर दी? 4,500 धमाकों की गारंटी मैंने ली थी, समझ में आई? और इतनी बमबारी करवाऊंगा ना इसका भाई बाप जो है ना भाप बन के उड़ जाएंगे। मैंने मना किया, मैडम बंद कर ले या स्पीकर, मैं इंडियन आर्मी की भी नहीं सुनूंगा, मैं आईबी और रॉ की भी नहीं सुनूंगा। मैं मना किया था मैंने इसको, 12 तारीख के गार्ड को मैं कहा दे के बंद कर ले विजुअल, वरना ऐसा विजुअल दिखाऊंगा ना कि ना बताए ना तो बताए बोल पाएगा किसी को, ना सुनाए सुन पाएगा किसी की, पर सुनी नहीं इन्होंने, समझ में आ गई? हैवी बेस पंजाबन है, हैवी बेस है तेरा मरियम नवाज है, लगाएगी स्पीकर यहां पंजाब वॉर जोन है, वेस्टर्न पंजाब, समझ में आई? वेस्टर्न पंजाब वॉर जोन है आरिफ अलवी, मैंने क्रिएट किया, समझ में आ गई? 3 ट्रिलियन इंडियन रुपीज बार और छुड़वा, समझ में आई? मैं भी तो देखूं इसको, शेर आ रहा है शेर पंजाब में, शेर आ रहा है नवाज शरीफ। मैंने मना कर दिया इनको, यार यहां स्पीकर मत लगा, यहां पे यहां यहां की जासूसी मत कर, मैं तेरे बांस चढ़ा दूंगा नहीं तो, और नमूना देखना हो ना तो देख ले फिलिस्तीन में, और तुझे आखिरी चेतावनी दे रहा हूं ओए न्यूज चैनल, समझ में आई? वरना न्यूज ही चलती रह जाएगी ऑल ओवर वर्ल्ड में, देश के देश गायब है, पहले सुन लो कान खोल के इंडियन आर्मी आप भी, और अगर आपने ढील दी ना यहां कि देश का वॉर जोन है तो मैं भी आपके मामले में ढील दे दूंगा, समझ में आ गई? जवाब देना मैं भी जानता हूं, और आई भी आप भी सुन लो, उसके बाद जो कुछ होगा ना मैं नहीं सुनूंगा किसी की भी। अगर किसी ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए भारत के अंदर मेरे खिलाफ कार्रवाई करी वहीं पर बमबारी है। पहले बोलता रहा मैं इंडियन आर्मी आईबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चेतावनी जारी कर रहा हूं, सर आपने ढील दी है, ये बंदे अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं, इसके बाद जो रिजल्ट आएगा जिम्मेवारी आपकी होगी मेरी नहीं। बताओ यार यहां स्पीकर लगा रखे हैं, मैं बाइक पे बैठा हुआ हूं बाहर अपने घर के आराम से, मुंह पे आके कह रहा जैसे मोहम्मद हमास मोटरसाइकिल चला रहा तेज, बेटा मैंने कुछ नहीं किया, तेरी औकात मोटरसाइकिल की थी, मेरी औकात F-35 की थी, मैंने फिलिस्तीन में इतनी नीचे से फाइटर जेट निकाल दिए ना कि रूह कांप गई है सबकी, समझ में आ गई? और जो लिख दिया ना कि इतना करोड़ टन गिरा दिया है एक्सप्लोजिव, तो गिरा दिया, कान के पर्दे फाड़ दिए इनके, अब चला लियो बेटा यहां मोटरसाइकिल और बुलेट, अब चला। मैंने पहले कहा था बिहार गवर्नमेंट को भी और झारखंड गवर्नमेंट को, हजारीबाग वाले को समझा ले रघुवर दास को, वरना वो हाल कर दूंगा ना कि ढूंढे नहीं मिलेगा भारत में, पर ये माना नहीं रघुवर दास, पैसे भेज दिए, जब मेरे बी बच्चे बाहर जा रहे तब बाहर आके खड़ा हो जा रहा। मैं कहा अच्छा जी, मैंने इंडियन आर्मी को बोला नहीं सुनी, नहीं सर 90 लाख टन एक्सप्लोजिव गिराया मैंने हजारीबाग पे, 90 लाख टन ढूंढे नहीं मिलेगा हजारीबाग,
ढूंढे नहीं मिलेगा। मैंने कहा था इंडियन आर्मी को, सर इसको समझा लो, ले जाओ इसको। मेरे मामले में अगर बीच में बोला, समझ में आ गई, तो रूह कांप जाएगी। उस दिन मैंने कहा था, बहुत बकवास कर दी, मेरे घर में मत बोलियो। भाई साहब बुला के ले गई इनविटेशन पे, मैं चुप बैठा रहा, मेरे को नहीं पूछा इसने। मैं कहा अच्छा बेटा ये बात है, इतनी औकात तेरी है? ये हमारी मैडम भी चली गई वहां पूजा पाठ में करेगी, भगवान विष्णु की पूजा पाठ थी। मैं कहा अच्छा जी कोई बात, मैं कर बेटा कर। अब अगर हजारीबाग धरती पे हो तो बता दियो। कुत्ते की मौत मारा है मैंने इनको, कुत्तों की मौत, हिसाब बराबर। तुम मेरी इंसल्ट करने की कोशिश करोगे, जवाब देना मैं जानता हूं, समझ में आई? जवाब देना मैं जानता हूं। मेरे को कह रहा था मेरे पिताजी के बारे में। मैं कहा भाई वो तो अपनी उम्र जी के गया नौकरी करके, तू अपने वाला भी ढूंढ ही लियो, देखियो शायद मिल जाए। क्योंकि भगा बहुत तेजी से था, जब हवाई जहाज नीचे से तो उड़ना शुरू हुए थे, समझ में आ गई? जब ना ना जब पड़ती है ना तब पता लगती है। अभी बोलने दे, तुझे पूछता कौन है, मुझे पूछता कौन है? अच्छा जी, बड़ी हवा भर दी है किसी ने, हवा निकाल दी मैंने झारखंड गवर्नमेंट की, समझ में आई? और अगर किसी में ज्यादा हवा हो ना तो बता देना, और अब आकर के मेरे आगे बोल कर जइयो यहीं पे, अब बोल कर जइयो मुझे हमास, अब बोल कर जइयो हमास की पार्लियामेंट है वो, ठीक है बेटे? मोटरसाइकिल, ठीक है बेटा? दिमाग से हमास, ठीक है बेटे? बोल कर जइयो, अब मेरे को हमास की धमकी दियो, चाकूबाजी, अब धमकी दियो मुझे। अभी बुलेट गैंग की भी ऐसे ऐसी मारूंगा बारादारी वालों की, देखवा क्या किया मैंने, ठीक है ना? जवाब देना मैं भी जानता हूं, अब बोल के दिखाइयो हजारीबाग। क्यों बे, यूं बुला लिया पूजा पाठ में मैंने, यूं। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, अब धरती पर अगर हो ना हजारीबाग तो साबित कर दियो, ठीक है? हाँ मारा तो मारा। एनीवन एल्स तुझे पूछता कौन है? देना जवाब। और तू सुनो, 25,000 रुपए का हिसाब दे कैसे बराबर करता हूं, अब तक नहीं पहुंचे हो 25,000 रुपए, याद रख, कुत्ते की मौत मारूंगा एक एक को, कुत्तों की मौत, अपने आप वक्त साबित कर देगा। दिमाग बोलता है तुम्हारा, दिमाग बोलता है हाँ जी पैसे लिए हैं माफ कर दो, दबी आवाज में बोलते डरते हो तुम। मुझे तो बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है मुझे, जवाब दे दिया मैंने हजारीबाग वालों को। और आज के बाद अगर किसी ने टांग अड़ाई ना मेरे घर परिवार के बीच में तो यही हाल करूंगा, समझ में आ गई? मुगलों के वंशज हैं, मुगलों के, मुगल सराय नहीं है, जब अग यहां से, ठीक है?